नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। राखी सावंत इन दिनों काफी ज्यादा परेशान चल रही हैं। एक के बाद एक राखी सावंत पर कई मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। बता दें कि हाल में ही शर्लिन चोपड़ा ने एक बड़ा दावा किया था। शर्लिन चोपड़ा ने बताया था कि उन्होंने राखी सावंत के खिलाफ महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से भी मदद मांगी है। अब ऐसे में राखी सावंत भी एकनाथ शिंदे के पास मदद मांगने के लिए जा सकती हैं। बता दें कि आदिल खान दुरानी, शर्लिन चोपड़ा और राजश्री के खिलाफ अब सरकार से राखी सावंत मदद की गुहार कर सकती हैं। बताते चले कि राखी सावंत के खिलाफ इन तीनों के पास ही काफ़ी अहम सबूत हो, इसलिए इन सबूतों के खिलाफ अब राखी सावंत को जो लड़ाई लड़नी है वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदी और साथ ही काफ़ी मुश्किल भी है। राखी के पास भी कई सबूत है, लेकिन राखी सावंत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये कहना है कुछ ऐसे लोगों का जो राखी सावंत के चंगुल में फंस चुके हैं। उनका कहना है कि राखी सावंत ने उनके खिलाफ ठगी का मामला जो है वो किया है। ठग के रूप में राखी सावंत को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ऐसे में दावा ये किया जा रहा है कि जल्द ही राखी सावंत जैसे ही उमरा से वापस लौटेंगी वैसे ही सरकार से अपील कर सकती हैं। ऐसे में अब राखी सावंत की अपील किस तरीके से सरकार और एकनाथ शिंदे की पूरे मंत्री मानेंगे वो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। प्रशासन इसमें राखी सावंत की किस तरीके से मदद कर सकता है, और साथ ही राखी सावंत ने जो भी आरोप लगाए हैं, जो कुछ भी दावे राखी सावंत ने किए हैं, वो दावों में कितनी सच्चाई है, अब इसकी जानकारी बहुत ही कम वक्त में सबके सामने आने वाली है। जल्द ही पुलिस इस पर एक्शन लेगी, और साथ ही राखी सावंत और आदिल खान दुर्रानी के पास जो भी सबूत इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, इन सबूतों पर भी जांच पड़ताल जारी है।